नमस्कार बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन। 54 में क्या बोला है बेटा? ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ए 100 ग्राम बॉल। द बॉल इज पुल्ड एसाइड सो दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल एंड इज देन रिलीज्ड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग वेन द बॉब इज एट लोएस्ट पोजिशन। मतलब सिचुएशन सिंपल सा दिया हुआ है इस तरह से कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये बॉब हो गया, बॉब का मास दे दिया बेटा 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg, लेंथ दे दी है 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर, एंड बोला है कि इसको किसी एक साइड 37 डिग्री एंगल पर ला के क्या किया गया है, छोड़ दिया है। तो ऑब्वियसली जब आप छोड़ोगे यार तो ये फिर इधर जाएगा, इसके कारण इधर जाएगा एम जी का एक कंपोनेंट के कारण, है ना, एम जी इधर लग रहा है नीचे, तो एम जी के कंपोनेंट के कारण ये इधर जाएगा इस तरह से। तो बोला है यहाँ पे आपको टेंशन की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू बतानी है। तो देखो पूरा कंसेप्ट तो वही सर्कुलर का ही है फिर से, क्योंकि पार्टिकल क्या करेगा, सर्कल में घूमेगा, कितने सर्कल में, एल रेडियस के सर्कल में। तो सेंट्रिपिटल का कंसेप्ट आएगा, सेंट्रिपिटल के लिए आपको यहाँ का स्पीड पता करना होगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, एक इक्वेशन लिखोगे टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। मान लेते हैं स्पीड यहाँ पे कितना है, वी है, तो एम बी स्क्वायर बाई आर की जगह पे कितना आ जाएगा, एल। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, जी पता है, एल पता है, वी नहीं पता। वी निकाल लोगे तो टेंशन निकल जाएगा, वी कैसे निकालोगे बेटा, फिर से एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। तो यहाँ पे एक तो एनर्जी लगाओ कंजर्वेशन, एक यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करो, तो वी आ जाएगा, सिंपल सा है। यहाँ पे देखो यू जीरो है, रिलीज किया गया है ना, और रेफरेंस इसको ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, नीचे वाले के लिए, है ना, ताकि माइनस के साथ डील ना करना पड़े। तो चलो एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, इनिशियली यहाँ पे है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, चूंकि स्प्रिंग नहीं है इसमें, तो दो ही तरह का होगा, एक तो काइनेटिक एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो काइनेटिक तो जीरो ही है इनिशियल। इनिशियल पोटेंशियल के लिए बेटा क्या करोगे, रेफरेंस ये वाला तुम लियो, ये वाला हाइट नीचे वाला, तो ऊपर कुछ ना कुछ हाइट है ये, तो ये हाइट पहले निकालो, ये हाइट कितना, देखो ये पूरा लेंथ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पूरा एल है बेटा, है ना, ठीक है। इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं यार, ये वाला माइनस कर दूं, तो ये निकल आएगा यार। अब देखो ये कैसे निकलेगा, अब देखो ये पूरा एल है यार, सर ये भी एल और ये भी एल, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, ये सर्कल है ना, ये ऐसे सर्कल में घूमेगा ना, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हो गया ना ये, ठीक है। तो ये अगर एल होगा बेटा, तो ये वाला जो लेंथ है वो सोच थीटा के सामने क्या आएगा, साइन, और थीटा के एडजेसेंट, ये वाला लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ये वाला थीटा के सामने में एल साइन 37, थीटा के बगल में एल कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है, 4/5। तो सोच ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला एल डैश, अगर इसको बोलता हूँ तो एल डैश कितना होगा, एल डैश हो जाएगा सर पूरा एल में से माइनस कर दो 4l/5, तो एलसीएम वगैरह लोगों, तो ये कितना जाएगा, l/5। तो यही आपको पता करना था, ठीक है। तो ये एल डैश आ गया बेटा। अब देख एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहे थे हम, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एल डैश, तो एम जी एच, एच की जगह पे l/5 इक्वल टू फाइनल, फाइनल के लिए तो रेफरेंस तो यही ले लिया, पोटेंशियल के लिए तो फाइनल पोटेंशियल जीरो प्लस फाइनल क्या आएगा, सिर्फ काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सा, एम से एम गया, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यार, देख लीजिए आ जाएगा 2gl/5, यहाँ रख लो, तो क्या आ जाएगा यार, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बाई एल इंटू 2gl/5, एल से एल गया यार, है ना, तो t इक्वल टू क्या आ गया, एम जी को भी उधर ले जाओ, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 7mg/5, m की वैल्यू रख लो, g की वैल्यू रख लो, g की वैल्यू 10 रख लेता हूँ, तो ये हो गया 2, और m की वैल्यू कितना दिया यार, 0.1 kg, तो टेंशन कितना आ जाएगा, 0.1, तो 7 × 14, तो
1.4 न्यूटन और तो कुछ नहीं है इसमें नहीं, तो यही टेंशन पूछ रहा था लोएस्ट पॉइंट पे, तो कितना आ जाएगा आंसर 1.4 न्यूटन, 1.4 न्यूटन सही है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन, नेक्स्ट मिलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 55 के साथ।